May I come in, sir? Yes. नमस्ते सर। सर मेरा नाम रूपाली है और मैं विदिशा की हूँ रहने वाली। यस। सर मुझे आपका अभी भी पता चला कि आप बहुत अच्छे आयुर्वेदा चाह रहे हैं। जी। सर मुझे 3-1 साल हो चुके हैं, मेरी किडनी में बहुत सूजन होती है, दर्द रहता है। अच्छा। और मैं सिकाई भी कर चुकी। अच्छा। और मैं उसका एलोपैथी में भी कई बार इलाज कर चुकी हूँ, मेरे 1 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। अच्छा, इस उपचार में। जी, मेरा दिल्ली का इलाज चल रहा था तो उसमें 1 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं मेरे। कोई फायदा नहीं लगा उससे? नहीं सर, कोई फायदा नहीं है मुझे, मतलब कोई भी मुझे आराम भी नहीं है, जरा सा भी एक दिन के लिए आराम नहीं है। जी। तो मैंने सोचा कि आपको दिखा के देखती हूँ, तो आप कुछ बताइए फिर उपाय। देखिए, जैसे आप एलोपैथी ले रही हैं, एलोपैथी में किडनी का तो वैसे वो कोई उपचार ही नहीं है, अस्थाई उपचार है, अस्थाई कोई उपचार नहीं। जड़ से ये रोग एलोपैथी दवाएं नहीं मिटा सकती, बल्कि साइड इफ़ेक्ट करती हैं। धीरे धीरे आपको साइड इफ़ेक्ट प्रॉब्लम हो जाएगी, किडनी के बजाय दूसरी प्रॉब्लम चालू हो जाती है। तो क्या है कि मैं आयुर्वेद में ऐसे आपको कुछ नुस्खे बता देता हूँ कि जो आप बहुत सरल तरीके से और इजीली कर सकती हैं। ये ऐसी जड़ी बूटी है, सिंपल है बिल्कुल, इसको मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको लगभग 6 महीने का इलाज है जी, 6 माह का जी। वैसे 4 महीने का है, लेकिन अपन 2 महीने और इसलिए कि आपको फ़ायदा लगने लगे तो जड़ से रोग मिट जाए। वैसे 4 माह तक आप कंटिन्यू करेंगे तो फ़ायदा पड़ने लगता है, लेकिन आपको 6 महीने में बिल्कुल जड़ से मिट जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको संतरा, जिसको नारंगी बोलते हैं आयुर्वेद में, किडनी रोग को गुर्दा रोग भी कहते हैं, गुर्दे के नाम से जाने जाता है ये आयुर्वेद की भाषा में, हम लोग इसको कहते हैं गुर्दा रोग, इंग्लिश में किडनी बोलते हैं। तो संतरा आपको प्रातःकाल उठकर फ्रेश होकर मुंह हाथ धोकर 2 संतरे लेना है, छील के बढ़िया 2 संतरे खाना है, और उसके बाद थोड़ा सा कुनकुना पानी लेना है उसके ऊपर से। पहले आपको संतरे खाना है, 2 संतरे छील कर बढ़िया खाते जाओ, और उसके बीज भले ही आप थूक दो, अगर बीज भी चबा जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, बीज बाहर भी थूक सकती हूँ। और उसके बाद आपको थोड़ा सा हल्का कुनकुना पानी लेना है उसके, मतलब संतरे खाने के बाद खाली पेट लेना है ये चीज़ें, मतलब कुछ बगैर नाश्ता करे। सबसे पहले आपको 2 संतरे छील कर खाना है, फिर आपको गर्म पानी थोड़ा सा कुनकुना पानी लेना है। इसके बाद भले ही आप नाश्ता वगैरह कर सकते हो, यदि आप 4 माह से तक ये कर लेंगे तो आपकी जो किडनी की सूजन है वो किडनी से संबंधित और भी रोग ठीक हो जाएंगे। और भी यदि जो लोग किडनी रोग से परेशान हैं वो दिन में कम से कम 3 संतरे का सेवन करें तो ये किडनी का रोग जड़ से मिट जाता है। किडनी में जैसे सूजन हो, किडनी बैठ गई हो या किडनी में दर्द उठता हो, तो ये इस प्रकार के रोग जड़ से मिट जाते हैं लगभग 4 माह में। 3 संतरे आप लीजिए, दिन में 3 संतरे लेना जरूरी है, 2 तो आप सुबह ले लो और 1 आध और दिन में ले लो, तो आपका ये रोग जड़ से मिट जाएगा। तो आपको लिख देता हूँ जी, आप ले लेना आयुर्वेदिक दवाएं। सर मुझे ये दवाएं कहाँ से प्राप्त होंगी? ये आप किसी भी आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर से आपको मिल जाएंगी। सर आपकी फीस? फीस नेक्स्ट टाइम देख लेंगे अपन, पहले आपको अगर फायदा प्राप्त हो जाए तो अपन देख लेंगे, पहले आप अपना ये तो ट्रीटमेंट चालू करो, हो जाएगी फीस। कहाँ जा रही, फीस तो मिल जाएगी। सर मुझे आराम मिलता है, मैं आती हूँ आपके पास। नमस्कार दर्शकों, ब्लेजिंग आयुर्वेद चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुनील भावसार ने अभी आपको, मेरे सामने जो पेशेंट आए थे किडनी से संबंधित रोग से संबंधित, ये काफ़ी अपना पैसा उपचार में एलोपैथी में लगा चुके हैं, लेकिन जड़ से इन्होंने अभी तक उपचार उनको नहीं मिल पाया। एलोपैथी में ये लगभग 1 लाख रुपये खर्च कर चुके और इनको अभी तक कोई उपचार प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन मैंने जो आयुर्वेद में दवाएं बताई हैं उनसे इनको लाभ जरूर प्राप्त होगा। कई रोगी किडनी रोग से संबंधित रोगों में लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जैसे किडनी में सूजन, किडनी में दर्द होना और किडनी बैठ जाना, इन सब से निजात मिल जाता है केवल एक दो संतरे प्रतिदिन खाने से ये लाभ मिलता है, किडनी रोग ठीक होने लगता है। और आपकी फैमिली में से भी यदि कोई किडनी रोग से परेशान हो तो ये संतरे का जो मैंने नुस्खे बताएं, उपचार बताएं, ये ज़रूर कीजिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और मुझे आशा है कि आप मुझे दूर दूर तक चैनलों से जोड़ेंगे और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके साथ बना रहूं। नमस्कार।